हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड बेसन टोस्ट की रेसिपी। इसे आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर बच्चों को टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाए ब्रेड बेसन टोस्ट। सबसे पहले लेंगे 1 कप बेसन। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून ओरिगानो। ओरिगानो ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब ये सब बेसन में डाल देंगे। अब सब कुछ बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बेसन को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे और बेसन को मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमें एक स्मूथ बैटर ना मिल जाए। ध्यान रखिए बैटर में कोई लंप्स ना रह जाए। ये देखिए, ये अब राइट कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की। अब हम बैटर में 1 मीडियम साइज का चॉप प्याज डाल देंगे। नेक्स्ट 1 चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे, फिर डालेंगे 1 छोटा सा गाजर ग्रेट किया हुआ, धनिए के पत्ते चॉप किए हुए डाल देंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इन इंग्रेडिएंट्स में कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं और तीखा खाना अगर आपको पसंद है तो आप ग्रीन चिलीज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फुल्ली आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे मेरा बैटर थोड़ा सा थिक लगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें इस बैटर को ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है। ये देखिए मिक्स हो गया है और ये राइट कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की। अब एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। आप चाहे तो घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 पीसेस ब्रेड ली हूँ। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा एक ब्रेड स्लाइस लेके उसे इस तरह से डिप कर लेंगे हमारे बैटर में और ऐसे ब्रेड को पूरी तरह से कोट कर लेंगे इस बैटर से। अच्छी तरह से हर तरफ से कोट कर लेना है ब्रेड की स्लाइस को। अब बहुत ही केयरफुली हम ब्रेड को पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ब्रेड के एक साइड को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में कुक होने देंगे। ब्रेड के ऊपर के तरफ भी थोड़ा सा तेल डाल देंगे। 3 मिनट के बाद अब हम ब्रेड को फ्लिप कर लेंगे और ब्रेड के दूसरे साइड को भी इसी तरह से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। ब्रेड के दूसरे साइड को भी कुक होते हुए 3 मिनट हो गए हैं तो अब हम फिर से ब्रेड को फ्लिप करके चेक कर लेंगे दूसरा साइड कुक हुआ है या नहीं। यहाँ पे देखिए दोनों साइड से ब्रेड अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब हम इस ब्रेड को निकाल देंगे एक प्लेट में और साइड में रखेंगे और बाकी के तीनों ब्रेड को भी इसी तरह से कुक कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा लास्ट ब्रेड भी बन चुका है। तो हमारा ब्रेड बेसन टोस्ट रेडी हो गया है बस कुछ ही मिनटों में। अब हम हमारे टोस्ट को इस तरह से ट्रायंगल के शेप में काट लेंगे। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी कम टाइम में और कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये मज़ेदार टोस्ट रेडी कर लिया। तो आप भी इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ किचन अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।